सात निश्चय के तहत रोजगार जो है वो लोगों को हासिल हुआ। ये रोजगार भी हमारे सात निश्चय की वजह से हुआ, पर आरजेडी इसका क्रेडिट लेने में लगा हुआ था। तो नीतीश कुमार की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने संबोधन में कहते हैं कि भाई जो 17 सालों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो हमने 17 महीने के इस टेन्योर में किया, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी थी, हमारा कमिटमेंट था बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के साथ। नीतीश कुमार जब संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने इसका जवाब दिया, एक एक सवाल पर उन्होंने अपनी बात को रखा, जिसमें रोजगार पर पूछे गए सवालों का जवाब आज सदन के पटल पर उन्होंने जरूर दिया, जिसमें कहा गया कि भाई सात निश्चय जो हमारी सोच है, जिस पर हमने कार्य किया है, आग्रह करूंगा वो सोच जो है वो रोजगार खड़ी करती है, और इसकी क्रेडिट लेने की होड़ साफ तौर पर नजर आई। लेकिन ये सब कुछ सात निश्चय के तहत रोजगार के तौर पर बिहार की जनता को देने का काम हमने किया है। आरजेडी सिर्फ इसकी क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। उसका भी वोट ले लीजिएगा। तो सीएम नीतीश ने इंडिया अलायंस से अलग होने की वजह को भी यहां पर गिनाया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इंडिया अलायंस टूट जाएगा, इसी वजह से मैं वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गया। आग्रह करूंगा कि उसको स्वीकार किया और कितना आगे बढ़े, और फिर 10 में जो किया तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा, लेकिन 25 जब हम 15 में सात निश्चय की बात हमने की तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया, सात निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था, और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए, और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ, और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने सात निश्चय दो तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया, और जब आप लोग आए तो सात निश्चय दो का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। तो नीतीश